Hello and welcome to the NCERT Tutorials, Class 10th Geography के Chapter Manufacturing Industries का ये first part है और इस part की जो theme है वो है Importance of Manufacturing. So let's start the tutorial. किसी भी economy में manufacturing sector की बहुत बड़ी भूमिका होती है. It plays a great role in the building of a strong economy. और इसलिए हम इसे कहते हैं It is a backbone of development in general and economic development in particular. और इंडिया तो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है जहाँ पर 1 बिलियन से भी ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं और इस वक्त सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में ही रहती है. सो इंडिया हैज़ अ लार्ज ह्यूमन रिसोर्स और वी कैन से ह्यूमन कैपिटल. तो एक बहुत बड़ी मार्केट भी है इंडिया और साथ ही साथ हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स भी है जो इकोनॉमी को डेवलप कर सकता है. और दैट इज़ वाई वी कैन से दैट इंडिया हैज़ द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट मैनुफैक्चरिंग हब इन द वर्ल्ड. तो इस पार्ट में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इंपॉर्टेंस को स्टडी करने चल रहे हैं. लेकिन हम शुरुआत करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं. मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मीन्स गुड्स का प्रोडक्शन, वो भी लार्ज क्वांटिटीज में. और प्रोडक्शन कैसे होता है, जब रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस करते हैं. हमने प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर को ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में. तो कोई भी रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस करके उससे प्रोडक्ट तैयार करते हैं और इस वजह से उस प्राइमरी मटेरियल या रॉ मटेरियल को हम जब गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, इसी को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. अभी हम एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. इट इन्वॉल्व्स वैल्यू एडिशन, क्योंकि अभी हमने देखा किस प्रकार से हम प्राइमरी रॉ मटेरियल से या गुड्स से जब दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो पहले वाले गुड्स से उसकी वैल्यू बढ़ चुकी होती है. तो मैन्युफैक्चरिंग में एक वैल्यू एडिशन कंसेप्ट काम करता है और ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में. द प्रोडक्ट्स में बी एम्ड एट डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर्स. अब जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसको या तो हम कंज्यूमर को डायरेक्ट सेल करने के लिए मार्केट में ला सकते हैं या जो हमने प्रोडक्ट तैयार किया है वो और किसी इंडस्ट्रीज़ में प्रयोग हो सकता है और वो फिर उस इंडस्ट्री में दोबारा प्रोसेस होगा और फिर कोई नया प्रोडक्ट तैयार होगा या उसमें कोई ना कोई वैल्यू एडिशन ज़रूर होगी और उसकी कीमत और बढ़ चुकी होगी. तो मैन्युफैक्चरिंग में हम रॉ मटेरियल से या किसी इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस्ड गुड्स से उसको ट्रांसफॉर्म करते हुए कोई नया प्रोडक्शन करते हैं और हर डिफरेंट फेज ऑफ प्रोडक्शन में उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है. उदाहरण के लिए हम शुगर का इस्तेमाल डेली लाइफ में करते हैं, चाय हो, कॉफ़ी बनाने के लिए, स्वीट्स में. लेकिन ये प्रोडक्ट तैयार होता है शुगर केन से. अब शुगर केन हमें कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं. अब इस प्राइमरी सेक्टर से शुगर केन एक रॉ मटेरियल हो गया. इसकी कीमत जो होगी मार्केट में जब हम डायरेक्ट खरीदेंगे तो कुछ और होगी, लेकिन जब इसी का प्रयोग शुगर इंडस्ट्री में, शुगर मिल में शुगर केन को ट्रांसफॉर्म करके जब उसे शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो इसकी कीमत और बढ़ चुकी होगी. अब यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर से शुगर केन को लिया और उसे ट्रांसफॉर्म किया शुगर में, वैल्यू एडिशन हो गया, शुगर केन से ज़्यादा कीमत इसकी मिलेगी. अब इसी शुगर को यूज़ करते हुए मीन्स कि अब ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया, तो सेकेंडरी सेक्टर में जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास भी जा सकते हैं और यही शुगर एक मिठाई वाला उसे स्वीट्स तैयार कर सकता है और उसकी कीमत और बढ़ चुकी होगी. तो इससे ज़्यादा कीमत इसकी और इससे ज़्यादा कीमत इसकी. तो इस प्रकार से डिफरेंट वैल्यू एडिशन से प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ती चली जाती है और उसके बाद स्वीट्स डायरेक्ट कंज्यूमर को मिलेंगे. तो शुगर भी डायरेक्ट कंज्यूमर यूज़ कर सकता है और एक स्वीट मार्केट से लेके स्वीट खरीद के भी कंज्यूमर इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन शुरुआत होती है शुगर केन से, एक प्राइमरी सेक्टर से. इसी प्रकार से वुड है जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इससे हम इंडस्ट्री में पेपर बनाते हैं. यानी प्राइमरी सेक्टर यहाँ पे है, सेकेंडरी सेक्टर यहाँ पे है. अब इस पेपर को डायरेक्टली कंज्यूमर खरीद सकता है या इस पेपर का यूज़ करके पब्लिशिंग हाउस बुक्स छाप सकती हैं और उसे फिर कंज्यूमर खरीद सकता है. इसी प्रकार से हम कॉटन का एग्जांपल लें तो कॉटन से यार्न तैयार किए जाते हैं, यार्न से क्लोथ तैयार किए जाते हैं जो कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं. तो डिफरेंट स्टेप्स पे जहाँ जहाँ नया प्रोडक्शन होता चला जाता है पुराने रॉ मटेरियल से, उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है और इन हर स्टेप्स पे मैन्युफैक्चरिंग वर्क करता है. कहीं ना कहीं कोई निर्माण हो रहा होता है. तो जब तक वो कंज्यूमर के पास फाइनली कंज्यूम होने के लिए नहीं पहुँच जाएगा तब तक उसमें कोई ना कोई वैल्यू एडिशन होता रहता है. ऐसे वीट है, हमने इसे एग्जांपल में लिया भी था जब हम डिफरेंट सेक्टर्स को स्टडी कर रहे थे. वीट से फ्लोर और उस फ्लोर से फिर ब्रेड और फिर उस ब्रेड को हम घर में इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूमर इस्तेमाल करता है और उसके बाद कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता, यहीं पर समाप्त हो जाती है इसकी यात्रा. तो फ्लोर बनाते समय इसमें वैल्यू ऐड हुई, फ्लोर से ब्रेड बनाते समय इसमें वैल्यू ऐड हुई और उसके बाद फाइनली ये कंज्यूम हो गया. तो ये तो हमने समझा कि मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, जहाँ पर हम लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं मार्केट के लिए और उससे जो हमें रिटर्न मिलता है वो हमारी इनकम होती है. लेकिन इस मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है किसी इकोनॉमी में. तो नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग.
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द बैकबोन, जैसा भी हमने बताया था कि इट इज अ बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री की जो स्ट्रेंथ है कि इसकी इकोनॉमी ताकतवर है कि नहीं है, उसे हम इसी से असेस करते हैं। मीन्स इट इज मेजर्ड कि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्या स्टेटस है, हाउ स्ट्रांग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ दैट कंट्री इज। तो आइए हम पॉइंट्स लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एड इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काम करता है। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम बाई प्रोवाइडिंग देन जॉब्स। अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हैं लोग, जैसे फार्मर्स हैं, हमने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को पढ़ा था, तो उसमें से निकलकर लोग बाहर जाके वर्क करना चाहते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में सेक्टर में उन्हें जॉब मिल सकती है। तो एग्रीकल्चर से जो इनकम का सोर्स बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में अगर हम जॉब करते हैं तो वहाँ से भी हमारी सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंस को कम करता है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर ऐसा ना हो तो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही पड़े रहेंगे। तो चॉइस हो जाती है कि एक फैमिली मेंबर के कुछ लोग यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ काम कर रहे हैं, और दोनों जगह से इनकम जनरेट हो रही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन, मीन्स कि एक शर्त है किसी भी चीज़ के होने के लिए कि अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छे ढंग से होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। इससे अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी को ख़त्म करने में मदद मिलती है, और जब बेरोजगारी ख़त्म होगी, लोग चार पैसा कमाएंगे, तो पॉवर्टी भी इरेडिकेट होगी, ख़त्म होगी। तो एक ये भी पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट कि मैन्युफैक्चरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। ब्रिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज़, अब किसी क्षेत्र का ज़्यादा विकास है, किसी क्षेत्र का कम विकास है, तो जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ होती हैं उसे पब्लिक सेक्टर के द्वारा कम किया जा सकता है, और जॉइंट वेंचर्स के द्वारा कम किया जा सकता है। हम सब स्टडी कर चुके हैं पहले, पब्लिक सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, जैसे सड़कें हैं, पुल हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, सब पब्लिक सेक्टर में आते हैं। तो गवर्नमेंट तो वहाँ भी जाके रोड्स बना सकती है जहाँ पर उसे प्रॉफिट ना हो, वहाँ भी जाके हॉस्पिटल स्थापित करती है, वहाँ भी स्कूल्स बनाती है जहाँ पर उसे कोई प्रॉफिट ना हो, दूर दराज के इलाकों में। तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म किया जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जरिए, जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं। और जॉइंट वेंचर मीन्स कि कुछ गवर्नमेंट पैसा लगाए, कुछ प्राइवेट फर्म्स पैसा लगाएं, तो बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज़ में जो डेवलपमेंट आपको सुनने को मिलता है उसकी वजह यही है, गवर्नमेंट का अपना इन्वेस्टमेंट। तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ कम होती हैं और एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होता ही होता है। इसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार होता है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, और जब प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उनसे फॉरेन एक्सचेंज अर्न होती है, जिसे विदेशी मुद्रा कहते हैं। हम किसी दूसरे देश को कोई सामान बेचेंगे तो जो मनी पे करेगा, अगर अमेरिकन डॉलर में पे करता है तो डॉलर हमारी कंट्री में आएगा, वो फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा। सब हम स्टडी कर चुके हैं पहले के पार्ट्स में। और ये पाया गया है कि जो लोग हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं वो कंट्रीज प्रॉस्परस होती हैं। तो इंडियाज़ प्रॉस्पेरिटी लाइज इन द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, कि तरह तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ एस्टेब्लिश होनी चाहिए। यानी जिस चीज़ का हम आज आयात करते हैं हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं होती हैं, अगर वो भी हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग होने लग जाएंगी, तो इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का दायरा बढ़ेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग का, जिससे कि हम ट्रांसफॉर्मेशन करें रॉ मटेरियल को ऐसे प्रोडक्ट्स में जो हायर वैल्यू के हों और कॉम्पिटिटिव क्वालिटी हो उनकी। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमारे प्रोडक्ट्स पहुँचते हैं और वही प्रोडक्ट्स डिफरेंट कंट्रीज़ के पहुँचते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट्स को लोग खरीदना पसंद करें। वो तभी हो पाएगा जब उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अच्छे होंगे इंटरनेशनल लेवल के। तो भारत को अगर प्रॉस्परस होना है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, हर चीज़ हमारे देश में बने। अभी जैसे उदाहरण के लिए हम लोगों को कंप्यूटर पेरिफेरल्स खरीदने होते हैं या हमें लैपटॉप्स खरीदना है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हम कंपनी का लैपटॉप खरीदते हैं बाहर का ही होता है। मोबाइल्स हम खरीदते हैं, कोई नामी ग्रामी कंपनी हमारे देश की नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स हैं, हम बाहर से आयात करते हैं। जहाँ से हम आयात करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, वहाँ तो बनती होंगी, तो वहाँ की स्ट्रांग इकोनॉमी होगी कि हमारे यहाँ की होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है किसी भी इकोनॉमी का। अब एक टॉपिक हम लेंगे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर में आपस में क्या रिलेशन है, क्या दोनों अलग अलग वर्क करते हैं या दोनों में कोई इंटरडिपेंडेंस वाला रिलेशनशिप है। तो नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। रिलेशन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इज़ नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है कि हम ईस्ट की तरफ खड़े हैं मुँह करके तो तुम वेस्ट की तरफ खड़े हो, ऐसा नहीं है, बल्कि दे मूव हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ चलते हैं। कैसे? एग्रो इंडस्ट्रीज हैव हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अब एग्रो इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिनमें जो रॉ मटेरियल्स प्रयोग होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर से मिलते हैं। इसके अलावा एग्रो इंडस्ट्रीज उन्हें भी कहते हैं जहाँ पर जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम आता है। तो अब बताइए, अगर ये इंडस्ट्रीज ना हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोड्यूस होने वाले जो इम्प्लीमेंट्स मशीनरी होती है हमें कहाँ से मिलेगी,
हम फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, दवाइयों का प्रयोग करते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के काम आने वाली चीज़ों का निर्माण होता है वो एग्रो इंडस्ट्रीज़ में होता है, जो कि सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बिलोंग करती है। एग्रो इंडस्ट्रीज़ डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर रॉ मटेरियल्स। तो एग्रो इंडस्ट्रीज़ में जैसे शुगर इंडस्ट्री है, अब उसे शुगर केन चाहिए, कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलेगा। तो एग्रो इंडस्ट्रीज़ भी डिपेंड होती हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर पर अपने रॉ मटेरियल के लिए। अब रॉ मटेरियल क्या होता है आप तो जानते ही होंगे, मैं यहाँ नहीं बताने वाला। एग्रो इंडस्ट्रीज़ सेल टू फार्मर्स देयर प्रोडक्ट्स। अब जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो जो प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं उसकी मार्केट फार्मर्स के बीच में होती है। इरिगेशन पम्प्स हैं, किसान खरीदेगा, फर्टिलाइजर्स हैं, किसान खरीदेगा, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पीवीसी पाइप्स हैं, ये तो खैर डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर्स इसको यूज़ करते हैं। मशीन्स एंड टूल्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, अब ट्रैक्टर्स को लेकर आप कार की जगह तो यूज़ करोगे नहीं, निश्चित वो फील्ड में यूज़ होगा। तो इस तरह से एग्रो इंडस्ट्रीज़ मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को बिलोंग करती हैं और इनके जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम आते हैं, इसलिए दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रोल में रहते हैं। एग्रो इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल चाहिए होता है प्राइमरी सेक्टर से और प्राइमरी सेक्टर को हेल्प चाहिए होती है निर्माण उद्योग से, जिन्हें हम एग्रो इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। द डेवलपमेंट एंड कम्पिटिटिवनेस ऑफ मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। देखिए कम्पिटिटिवनेस का मतलब यही होता है, आप एग्ज़ाम में बैठते हो, किसी को कम नंबर मिला, किसी को ज़्यादा नंबर मिला, पेपर सेम होता है तो आपस में कंपटीशन होता है कि नहीं होता है, तो हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं एंड वी कम आउट एज असाइनिंग स्टूडेंट्स, रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। तो ये जो कम्पिटिटिवनेस है ना वो हर जगह होती है, तो मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में कम्पिटिटिवनेस से फ़ायदा होता है और इसके जरिए जो डेवलपमेंट होता है उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अलावा जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो ज़्यादा इफ़िशेंट हो जाता है। अब जैसे पहले हल चलाते थे, टाइम काफ़ी लगता था, मैन पावर लगती थी, अब ट्रैक्टर का यूज़ करिए आप, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है ज़रूर, लेकिन कम समय में यानी इन लेस टाइम यू कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क। तो अब तो नया नई कितनी मशीनें आ गई हैं, गेहूँ कटाई हो, धान की कटाई हो, सीड्स की बुआई हो, इन लेस टाइम मोर वर्क। तो ये है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का आपस में रिलेशन, जिसमें हमने एग्रो इंडस्ट्रीज़ की बात की, उनके प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर सेक्टर में काम आते हैं। लेकिन सेल्फ सफिशिएंसी इज़ नॉट इनफ। अगर हमारे देश में हमारे मतलब का प्रोडक्शन हो जा रहा है तो उससे काम नहीं चलने वाला है, बल्कि हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में रह रहे हैं, जिसे हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से दुनिया भर की मार्केट्स आपस में इंटीग्रेट हो रही हैं और MNCs आकर अपनी यूनिट्स इस्टेब्लिश करती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर कम्पीट करना है, अपने प्रोडक्ट को बेचना है, इंडियन गुड्स को बेचना है, तो उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट्स को तैयार करना पड़ेगा। अब जैसे उदाहरण के लिए शुगर है, जो हम घर में शुगर इस्तेमाल करते हैं जनरली वो छोटे छोटे दानों वाली होती है, लेकिन ये शुगर एक्सपोर्ट भी होती है और जो शुगर एक्सपोर्ट होती है वो क्यूब शेप में होती है और उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है, जो हम जनरली शायद जानते भी नहीं होंगे। तो इस तरह से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दे मूव हैंड इन हैंड, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो अब बात आती है कि इंडियन इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है इस इंडस्ट्रियल सेक्टर का, मैनुफैक्चरिंग सेक्टर का। तो नेक्स्ट टॉपिक, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। द शेयर ऑफ मैनुफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैग्नेटेड एट 17% ऑफ GDP। जनरली आज भी यही स्थिति बनी हुई है, कभी कभी तो इससे भी नीचे चली जाती है, कि स्टैग्नेट मतलब होता है कि रुक जाना। जैसे बरसात के मौसम में आप देखते हैं कहीं पे छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाता है, जल्दी सूखता भी नहीं है, तो नहीं बहता हुआ पानी एक स्टैग्नेंट वाटर ही कहलाएगा। तो हमारी इकोनॉमी भी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो रुका हुआ है इसी के आसपास। GDP आप जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो योगदान है GDP में वो लगभग 27% के आसपास है, थोड़ा बढ़ता घटता रहता है। जैसे अभी जिस समय वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त लगभग 29 के ऊपर जा चुका है परसेंट के, लेकिन इसमें से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान है वो लगभग इसी के आसपास रहता है, बल्कि इससे कम भी हो जाता है। और बाकी जो 10% इस डेटा के अनुसार जो बुक में दिया गया है वो माइनिंग, क्वारिंग, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा में देखने को मिलता है उनके कंट्रीब्यूशन में। दरअसल इंडस्ट्रियल सेक्टर में माइनिंग, क्वारिंग, इलेक्ट्रिसिटी ये सब आ जाता है, और उधर प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर में फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, वो सब आ जाता है। तो सेक्टर के कई कंपोनेंट्स होते हैं, हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में पढ़ चुके हैं, आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए अगर आप थोड़ी और नॉलेज चाहते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आउट ऑफ 27% 17% इज़ कंट्रीब्यूटेड बाई मैनुफैक्चरिंग सेक्टर, मीन्स की जो कुछ निर्माण करते हैं, और बाकी माइनिंग, क्वारिंग, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, माइनिंग क्वारिंग में हम मिनरल्स को निकालते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? जी हाँ, जाइए मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के वीडियोस को देखिए। द शेयर ऑफ दिस सेक्टर इज़ मच लोअर देन सम ईस्ट एशियन कंट्रीज़। अब हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हाल देखिए कि ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं, मतलब हमसे छोटे कंट्रीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, उनसे भी कम है।
यानी उनका अगर हम रेशियो देखें तो 25 से 35% के बीच में रहता है। चाइना का देखें तो 36% है। थाईलैंड कितना छोटा कंट्री है, 35% है। और इंडियन गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया कंपेन चलाया हुआ है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है विच इज़ लेड बाय मिस्टर मोदी। और मेक इन इंडिया के तहत यही है कि जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ग्रो करे, और इसके लिए बाहर की कंपनियां आए हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स तैयार करें, बेचें, उसके लिए राइट एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा, और उसके लिए गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। जैसे उदाहरण के लिए गवर्नमेंट का जो टारगेट है इस वक्त वो ये है कि 17% को बढ़ाकर लगभग 25% तक लेके आया जाए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के योगदान को, 25% ऑफ GDP किया जाए इसे, और 2022 तक का टारगेट तय किया हुआ है। और इस तरह से लगभग 100 मिलियन जॉब्स भी क्रिएट करने का एक डिटर्मिंड प्रयास है गवर्नमेंट का कि लगभग इतनी जॉब्स क्रिएट की जा सकें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। 7% रेट ऑफ ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सोन सम ट्रेंड्स ऑफ ग्रोथ एट 9 to 10% सिंस 2003। ओल्ड डेटाज दिए गए हैं बुक्स में, तो आने वाले समय में डेटाज अपडेट भी होंगे, लेकिन इस वीडियो में जो डेटा दिए गए मैं उन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये 7% ग्रोथ रेट है, ना कि कंट्रीब्यूशन इन GDP है कि किस दर से इकोनॉमी बढ़ती है। ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है लगभग 2003 से 9 to 10%, और जो डिजायर्ड ग्रोथ रेट है वो 12% रखी है गवर्नमेंट ने, उस समय जो गवर्नमेंट थी उसने तय किया था इसे, और एक संस्था को भी इस्टेब्लिश किया था, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, जिससे कि इस डिजायर्ड ग्रोथ रेट को अचीव किया जा सके, और इसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पॉलिसीज फ्रेम करने की बात की गई थी, और जो भी प्रयास हो वो करके प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। वैसे देखा जाए तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका योगदान तो काफ़ी कम होता चला जा रहा है, जो लगभग 16 to 17% के बीच रहता है GDP के। और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं, वो 2018-19 में लगभग 29% के प्लस में था GDP के। और जो सर्विस सेक्टर है इट इज़ इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, ये 54% से भी ज़्यादा जा चुका है GDP के योगदान में अगर हम देखें तो। और जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो लगभग 53% से भी ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करता है, मीन्स कि 100 लोग हैं तो उसमें से लगभग 53 या 54 लोग तो किसानी में ही लगे हुए हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर उसके बाद आता है, जो लगभग 29% लोगों को नौकरी देता है। तो जब इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा तो ये परसेंटेज भी बढ़ेगा। सर्विस सेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट करता है नेशनल इकोनॉमी में, और उसमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है उस लगभग 18% है, कम है। तो कम लोगों को यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेशन का काम सर्विस सेक्टर में हो रहा है। तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर को अलग कर दें, इन दोनों को एक कर दें, तो हमें कह सकते हैं कि किसी भी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ यही दो सेक्टर हैं। इसमें से सर्विस सेक्टर को हमें कहना चाहिए इट इज़ द बैकबोन ऑफ टूडेज इकोनॉमी। लेकिन यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पढ़ रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज जनरली रिगार्डेड एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी का तो वैसे बैकबोन तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर हैं जो कि किसी भी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाते हैं। अब भाई इंडस्ट्री लगानी है तो ये डिसीजन किन कारणों पर बेस्ड होता है उन्हें हम पढ़ लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, फिजिकल फैक्टर्स हैं जैसे कि रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल होगा, कैसे अवेलेबल होगा, वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, क्लाइमेट कैसे है वहाँ की, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसी है। मीन्स कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो इन सब पे गौर करता है, चाहे वो बाहर के देश की कोई इंडस्ट्री हो भारत में आ रही हो या कोई इंडियन सिटीजन इंडस्ट्री लगाना चाह रहा हो। ह्यूमन फैक्टर्स भी काम करते हैं कि भी मजदूर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन कैसा होगा, मार्केट ट्रेंड कैसा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कैसी हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स कैसी हैं। तो इन सब चीज़ों पे भी एक कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट या फर्म इस्टेब्लिश करने वाला जो एंटरप्रेन्योर है वो सोचेगा। इसके अलावा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ज़मीन भी चाहिए होती है, लेबर हम ऑलरेडी यहाँ पढ़ चुके हैं, कैपिटल को पढ़ चुके हैं, एंटरप्रेन्योरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च एंड इनोवेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं, पावर सप्लाई है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं इस तरह की चीज़ें, जिसमें हम चाइना देख रहे हैं कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और हम काफ़ी पीछे रह जाते हैं। और उसकी बहुत बड़ी वजह है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट की विल पावर भी होती है। वैसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब भी हम स्टडी करते हैं तो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इन चारों को याद रहना चाहिए दिमाग में कि दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द की डिसीजंस ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन, कि फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश करनी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो लीस्ट कॉस्ट यानी कम से कम लागत पे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेवरेबल होनी चाहिए, और जो लेबर चाहिए स्किल्ड लेबर वो मिलेगा। तो इन्हें हम की डिसीजंस फैक्टर्स कह सकते हैं। अब बुक में जो एक फिगर दी गई उसे स्टडी कर लेते हैं कि आपको डिसीजन लेना है कि हम फैक्ट्री कहाँ लगानी है, साइट मीन्स जगह कहाँ लगाएंगे। तो ये तय होगा कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, अगर हम निर्माण करेंगे किसी चीज़ का तो उसमें क्या लागत आएगी, कितना पैसा हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा।
और इसके लिए हमें रॉ मटेरियल्स जो मिलेंगे उसकी क्या कॉस्ट होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कोई ऐसी इंडस्ट्री लगानी जिसमें मेटल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होना है। अब अगर आप उसे ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पे कोई आयरन एंड स्टील प्लांट लगा हुआ हो तो वहाँ से आपको कम दूरी पर मेटल्स की सप्लाई मिल जाएगी। आपको कोई कोल रिलेटेड फैक्ट्री लगानी है, कोई थर्मल पावर प्लांट लगाना है, तो आप उसे उस जगह लगाइए जहाँ पर कोल की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी हो। तो ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हैवी मटेरियल है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी बचेगी। ये ठीक उसी तरह से है जैसे आपकी बगल की मार्केट में जो 1 किलोमीटर की दूरी पर है वहाँ पर कोई चीज़ आपको मिलती है, अब आप उसे लेने 10 किलोमीटर तक जाएंगे लेने के लिए और सेम क्वालिटी में लगभग अवेलेबल होगी, तो मूर्ख आपसे बड़ा कौन होगा। टाइम कंज्यूम, गाड़ी से जाएंगे, पेट्रोल डीजल कंज्यूम, और एक्सप्लेनेशन भी देते नहीं बनेगा। खाली इन्जॉयमेंट के लिए आप करें तो बात दूसरी है। इसके बाद ये भी हम ले लेते हैं, इसके लिए आप चाहे यहाँ से यहाँ जाए चाहे यहाँ से यहाँ जाए, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन, इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो प्रोडक्शन जो किया जाना है उसके जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनमें क्या कॉस्ट आएगी, और दूसरा हम इसे इस तरह भी ले सकते हैं कि मार्केट में जब हम सप्लाई करेंगे प्रोडक्ट को तो वो किस तरह से होगा, उसमें क्या कॉस्ट आएगी। आखिर जब प्रोडक्ट आउटपुट तैयार होगा तो मार्केट में जाएगा तो ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा, तो खर्चा कम से कम किस में जुड़ेगा, उसी प्रोडक्ट में जुड़ेगा जो मार्केट में जा रहा है। अगर 10 रुपये की चीज़ बन के निकली है उसमें 2 रुपये लग गया कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन या और सब कॉस्ट लग गई, 1 रुपये और जोड़ दीजिए तो ये बढ़ के 13 रुपये की हो गई। अब बाज़ार में जाके कहीं ना कहीं 15 से 20 के बीच में बिकेगी, जबकि फाइनल जो आउटपुट था वो 10 रुपये का था। तो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन भी होता है कि जगह जगह पहुँचानी है उत्पादित वस्तुओं को, तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी। आपके घर में मदर डेयरी तक का अगर आप मिल्क पहुँचता है, अब बताइए अब कहाँ पर है ये, ये दिल्ली की कंपनी है। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपस में क्या रिलेशन है, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, फैक्ट्रीज लगती हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, कई इंडस्ट्रीज एक जगह इस्टेब्लिश हो जाती हैं, तो उससे शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है, मार्केट्स डेवलप होती हैं और अर्बनाइजेशन होता है। तो अगला टॉपिक, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, यानी दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो तो अर्बनाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मली इंडस्ट्रियलाइजेशन इवन इन रिमोट एरियाज कन्वर्ट्स इट इनटू एन अर्बन एरिया, चाहे पिछड़े क्षेत्र में ही हो जब इंडस्ट्रीज लगने लगती हैं तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे अर्बन एरिया में कन्वर्ट होता चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, फैसिलिटीज डेवलप होती हैं और सर्विसेज डेवलप हो जाती हैं और लोग वहाँ पे जाके मीन्स दे थ्रॉन्ग देयर फॉर जॉब्स, जॉब्स जनरेशन जो होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोग जाके वहाँ पे काम करना चाहते हैं, बसना चाहते हैं और धीरे धीरे समय के साथ 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 एक अर्बन इलाके में डेवलप हो जाती है। आप जहाँ रहते हैं, मान लीजिए कि वो थोड़ा सा तहसील लेवल का या टाउन एरिया है, यार आप पूछिए कि आज के 20 साल पहले अपने पेरेंट्स से क्या स्थिति थी वहाँ की, और उसके आधार पे आप सोचिए कि अगले 20 साल में आप जिस लोकेशन में रह रहे हैं वो कितना डेवलप हो चुका होगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से अर्बनाइजेशन को बढ़ावा मिलता है, और खाली इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही नहीं, धीरे धीरे मार्केट अपने आप भी डेवलप होती हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगी ही हो। कभी कभी क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे पहले से सिटीज़ हैं उनके आसपास लगती हैं, अब दिल्ली है, अब उसके नज़दीक गुड़गांव है, नोएडा है, अब ये सब शहर के आसपास की तो लोकेशंस हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं। सिटीज़ प्रोवाइड मार्केट एंड अदर सर्विसेज, शहरों में क्या हुआ कि पहले से ही अच्छी खासी मार्केट्स होती हैं, सर्विसेज मिल जाती हैं जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, कंसल्टेंट्स मिल जाते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स मिल जाते हैं, तो इन सब के ऑफिसेज हैं, सर्विसेज अवेलेबल हो जाती हैं। अब गाँव में कहाँ मिल पाएंगी, तो सिटीज़ के अपने प्लस पॉइंट्स होते हैं, अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन सिटीज़ में ये सब जो सर्विसेज मिलती हैं इसकी वजह से वहाँ पे जिस तरह से ज़्यादा लोग जाके वहाँ बसना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उसी प्रकार से कंपनीज़ भी, फर्म्स भी, इंडस्ट्रीज़ भी आकर अपने प्लांट्स वहाँ पे, अपने यूनिट्स इस्टेब्लिश करना चाहती हैं, उसी को हम कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़। एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ को समझने के लिए बस छोटा सा तरीका अपनाइए कि कई इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज़ या फर्म्स आकर किसी पर्टिकुलर एरिए में लोकेट होने लगती हैं, इस्टेब्लिश होने लगती हैं, और इससे उनको आपस में फ़ायदा होता है। दे मेक यूज़ ऑफ एडवांटेजेस ऑफ अर्बन सेंटर लार्ज मार्केट, एक तो बड़ी मार्केट का फ़ायदा मिलता है इसलिए कंपनी आनी चाहती हैं, और सबसे बड़ा जो रोल प्ले होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो। अब जैसे कई इकोनॉमीज़ आके आसपास लगेंगे किसी पर्टिकुलर एरिए में, तो उन्हें क्या फ़ायदा मिल सकता है कि आसपास की इंडस्ट्रीज से, कंपनीज से उन्हें सप्लाई मिल जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को हम शामिल कर सकते हैं, ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी अगर उन्हें ज़्यादा दूर तक सप्लाई लेने नहीं जाना पड़ेगा, अच्छी खासी मार्केट मिल जाती है, बेटर सप्लाई मिलती है एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है अच्छा खासा क्योंकि गवर्नमेंट भी वहाँ पे फिर उन्हें उनके हिसाब से डेवलप करने लगती है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा जो सबसे बड़ा दिक्कत का काम है वो है बेटर ट्रेंड रिक्रूटमेंट की,
तो बेटर ट्रेंड वर्कफोर्स मिल जाती है उनको वहाँ पे काम करने के लिए, तो वर्कर्स मिल जाते हैं जैसा उन्हें चाहिए होता है उस तरह से। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपने बहुत सुना होगा, इनोवेशन का वर्क है, ये सब कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एरिए में हो रहा हो तो वहाँ पर कौन जाके अपनी यूनिट्स को इस्टेब्लिश करना नहीं चाहेगा। और एक टर्म और इस्तेमाल होता है जो शायद आपको मैं ज़्यादा ना समझाऊँ यहाँ पे, वह है नॉलेज स्पिल ओवर, यानी कि जहाँ पर इस तरह की एग्लोबरेशन इकोनॉमीज होती हैं वहाँ पर डिफरेंट नॉलेज और आइडियाज़ शेयर होते हैं। आप सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज़ करते हैं, अब आप देखिए वहाँ पर, या हम एग्जांपल लेते हैं क्लास का, आप अपनी फैमिली में रहते हैं, दो भाई बहन हैं आपस में, सिर्फ दो ही भाई बहनों के आइडियाज़ शेयर होंगे, नॉलेज शेयर होगी। आप अपनी क्लास में जाते हैं, क्लास में मान लीजिए 35 स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट्स के डिफरेंट नॉलेज लेवल आइडियाज़ होते हैं, तो आपके क्लास में ज़्यादा नॉलेज स्पिल ओवर होगा या आपकी फैमिली में होगा? निश्चित है क्लास में ज़्यादातर लोग हैं, ज़्यादा आइडियाज़ शेयर होंगे, ज़्यादा नॉलेज अकोमोलेट होगी, क्लास ज़्यादा नॉलेजेबल होगी आपकी छोटी सी फैमिली की अपेक्षा। तो इसी प्रकार से एग्लोमरेशन इकोनॉमीज में हम कुछ एग्जांपल लेना चाहें, जैसे सिलिकॉन वैली है, अब आप सोचिए कितनी फेमस है ये दुनिया भर में। अब वहाँ पे कोई अपनी फर्म लगाएगा तो उसे रिक्रूटमेंट की ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, डिज़ाइनर्स, प्रूफ रीडर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आसानी से मिल जाएंगे। हमारे यहाँ बेंगलुरु है, IT हब के रूप में जाना जाता है, तो कोई भी IT सेक्टर की कंपनी होगी उसका ख्वाब होगा कि हम बेंगलुरु में जाके अपना कोई प्लांट, कोई यूनिट इस्टेब्लिश करें। एक अच्छा एग्जाम्पल है डिट्रॉइट का, जो कि अमेरिका में कार मैन्युफैक्चरिंग का हब है, ये डिट्रॉइट सिटी। इंडिया में चेन्नई को कहा जाता है इट इज़ द डिट्रॉइट ऑफ एशिया, और बड़ी बड़ी कार कंपनियां यहाँ पर अपने इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश की हुई हैं, और भी जो कंपनियां आती हैं वो सोचती हैं कि हम चेन्नई में कोई ना कोई प्लांट लगाएं। अब धीरे धीरे पुणे भी डेवलप हो रहा है जहाँ पर कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लग रही हैं, तो निश्चित है कि वहाँ पर एग्लोमरेशन इकोनॉमीज का फ़ायदा मिलेगा, गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी और ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज लगेंगी जो कार मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स को बनाएंगी, और लगभग 30-40% जो हमारे यहाँ कार मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सब इसी चेन्नई से सप्लाई होती है। और चेन्नई कहाँ है? पोर्ट के नज़दीक है, और आप जानते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस इरा में और पहले भी जो व्यापार होते थे जहाँ पर पोर्ट्स होते थे वो हब हुआ करते थे व्यापार केंद्र के, तो इसलिए शिपमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, चेन्नई से आसानी से माल बाहर जा भी सकता है, बाहर से माल आ भी सकता है। तो इस तरह से एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं, इन्हेंस करती हैं, और वहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज़ एक पर्टिकुलर एरियाज़ में लगती हैं, फर्म्स इस्टेब्लिश होती हैं, वहाँ उन्हें एक दूसरे से बेनिफिट्स भी होता है, और इससे कॉस्ट रिडक्शन होता है और प्रोडक्शन इफिशेंटली तरीके से होता है। देखिए, जो भी पैसा अपनी तरफ से लगाना पड़ता है, जो भी चीज़ें लगानी पड़ती हैं, इनपुट हो गया, उसमें रॉ मटेरियल्स हैं या जो भी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं, कंपोनेंट पार्ट्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, इनमें मनी लगती है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके फैक्ट्री तक माल जाता है, रॉ मटेरियल जाता है, या वहाँ पे काम करने में लोग भी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे। फिर फैक्ट्री से बना माल भी अगर बाहर निकलेगा, यानी आउटपुट, उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट चाहिए क्योंकि उससे मार्केट में पहुँचेगा। तो ट्रांसपोर्ट की कितनी बड़ी यूज़ है यहाँ पे, और इसी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को अगर लो किया जा सके तो प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी लो हो सकती है, और मार्केट में फिर इनकम जनरेट होगी। किसकी? जिसने यहाँ पे पैसा लगाया। ए ने यहाँ पैसा लगाया है तो भाई पैसा उसका खर्च होता चला गया, मार्केट में जाती इसकी जेब में पैसा आने लग जाएगा, और इस मनी का यूज़ करेगा फिर से इनपुट लगाने में, अपने व्यापार को, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने में। तो इस प्रकार से मार्केट और इंडस्ट्री का लिंकेज है जो ये डायग्राम आपको शो कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने इस पार्ट में इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी किया, और ये पार्ट अब समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।